हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप दुकान जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मिठाइयाँ खरीदेंगे, तो दोस्तों मिठाइयाँ मत खरीदिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं 6 से 7 तरीके के घर पर ही आसान तरीके से मिठाई कैसे बनाएं, वो भी शुद्ध और बिना मिलावट के। तो छठ स्पेशल के त्यौहार पर आप जो है ये मिठाइयाँ घर पर ही बनाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाता है। अगर दुकान पर जाते हैं तो बहुत ही महंगी मिठाइयाँ मिलता है, पर आप ये जो है घर पर ही बना सकते हैं, और वो भी सस्ते में बिना मिलावट के। कोई भी नहीं कह सकता कि आप ये दुकान से लाए हैं या फिर घर पर बनाकर तैयार किए हैं। हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है दोस्तों। इस मिठाई को अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, गारंटी है। बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाता है, और सभी मिठाइयाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल मिठाई बनाना। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे पेड़ा। तो ये हमने लिया है दानेदार खोया। देख सकते हैं, दो तरीके का मार्केट में खोया आता है, एक सॉफ्ट वाला होता है और एक दानेदार। तो हम ये जो है पेड़ा बनाएंगे दानेदार खोया से। अक्सर सभी के पास दानेदार खोया होता है, पर उससे जो है मिठाई बना नहीं पाते, तो हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको। तो ये हमने एक कटोरी के करीब लिया था, और एक कप हम दूध ले लेंगे, नॉर्मल दूध है। तो इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इसमें उबाल आने देंगे। और जो दानेदार खोया हमने लिया है, तो इसे हम एक बार मिक्सी में चलाकर अच्छे से पीस लेंगे, ताकि हमारा पेड़ा जो है बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो मिक्सी जार में हमने डाल दिया है इसको, तो इसे हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। तो ये देखिए, हमने मिक्सी को एक बार अच्छे से घुमा लिया था, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, खोया बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, एकदम अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी खोया को तैयार करना है। तो चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। तो जितना आप खोया लिए होंगे उसी के हिसाब से आपको दूध भी ऐड करना है। तो एक कटोरा हमने लिया था, तो उसके हिसाब से हमने एक कप दूध ऐड किया है। तो सभी जो हमने खोया को अच्छे से पीसा है, वो पूरा हम दूध में डाल देंगे, और चलाते हुए हमें इसको गाढ़ा करते हुए अच्छे से पकाना है। अभी गैस की फ्लेम आप धीमी आंच ही रखिएगा। देख सकते हैं कितना ये पतला पेस्ट की तरह तैयार हो गया है, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। चलाते चलाते ये जो थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तब हमें इसमें चीनी ऐड करना है। तो चीनी हम इसमें आधा कटोरी यानी 2 बड़ा चम्मच के करीब हम ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा मीठा मिठाई पेड़ा हम नहीं बना रहे हैं, हम थोड़ा सा कम मीठे में हम ये बना रहे हैं। अगर आप मीठा थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाते हैं, तो 1 चम्मच एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं चीनी भी मेल्ट हो गया है, तो ये हमारा पेस्ट जो है पतला हो गया है। जब आप इसको पकाते रहेंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा। तो अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और कढ़ाई छोड़ने तक, जब तक ये डो जो है कढ़ाई ना छोड़ने लगे, हमें इसे पकाते रहना है। देख सकते हैं ये डो जो है हमारा कढ़ाई में बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है, कढ़ाई एकदम छोड़ रहा है। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम देसी घी डाल देना है, ताकि हमारा मिठाई जो है बढ़िया सॉफ्ट एकदम दुकान जैसा बनकर तैयार होगा। तो घी डालने के बाद 1 मिनट से या 1 से 2 मिनट तक हम इसको और अच्छे से पका लेना है, और गैस की फ्लेम धीमी आँच ही रहे। बढ़िया ब्राउन पेड़ा बनकर ये तैयार होगा। तो ये देखिए हमारे ये बन चुका है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये परफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो प्लेट में थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं जो मिठाई पेस्ट है, तो इसको 1 मिनट या फिर 1/2 मिनट में पता चल जाता है, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम बढ़िया जमना स्टार्ट हो गया है, पेड़े के लिए एकदम परफेक्ट डो रेडी हुआ है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं जब भी आप पेड़ा बनाएं। तो गैस की फ्लेम हमने बंद किया हुआ था, तो इसको एक बार और अच्छे से चला देते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आ गया है ब्राउन पेड़ा। अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो बहुत ही महंगा मिलता है, तो ये 1/2 किलो से भी ज़्यादा बनकर तैयार होता है। तो हमने इसको प्लेट में निकाल दिया है, 5 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हल्का सा ठंडा हो गया, हम इसको चम्मच से चलाते हुए ठंडा कर रहे थे।
देख सकते हैं आप चाहे तो इसका बर्फी भी बना सकते हैं या फिर पेड़ा अपने मन पसंद अनुसार शेप दे सकते हैं। मिठाई के लिए थोड़े से काजू लिए हैं, एक काजू से दो पार्ट कर लिए हैं, आप बादाम भी ले सकते हैं। तो छोटी छोटी लोइयां लेंगे और ऐसे गोल गोल करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए हम मीडियम साइज़ के छोटे छोटे पेड़े बना रहे हैं और बीच में से काजू लगा देना है, देख सकते हैं। तो एक पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए एकदम दुकान जैसा दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से सभी पेड़े हम बनाकर तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इस पर हम लगा देते हैं चांदी का वर्क, इससे जो है लुक बहुत ही अच्छा आता है। देख सकते हैं आधा किलो से भी ज़्यादा बनकर तैयार हुआ है हमारा ये ब्राउन पेड़ा। तो हम आपको ये तोड़कर दिखा देते, खाने में बहुत ही टेस्टी और खाने में थोड़ा सा कम मीठा भी। ये देखिए कितने अच्छे से ईजिली ये टूट जा रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है ये पेड़ा घर पर ही बना सकते हैं बिना मिलावट के और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं दूसरी मिठाई। तो अब सफ़ेद पेड़ा हम बनाएंगे, वो भी बिना गैस का। तो हमने काजू ले लिया है, 20 से 30 ग्राम के करीब ये काजू होगा, उसे हमने मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया है। तो उसका पाउडर हमने बना लिया है। तो एक थाली ले लेते हैं, उसमें जो है हमने काजू को पीसा है वो पूरा डाल देंगे। ये पेड़ा भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसमें हम नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, 2 चम्मच हम नारियल का बुरादा ले रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं चीनी, चीनी को भी हमने मिक्सी जार में पीस लिया था। तो मीठा जैसा आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से आप चीनी ऐड करें। तो 2 चम्मच हमने चीनी का पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच के करीब हमने मिल्क पाउडर लिया है, इससे जो है पेड़ा में बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। इलायची का पाउडर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिठाई जो है बिना गैस की बनने वाली है। तब मिक्स करने के बाद इसमें हम ठंडा दूध लिए हैं, तो 2 चम्मच हम डाले हैं। तो डूब गीला नहीं होना चाहिए, तो इसलिए दूध आपको जो है थोड़ा थोड़ा डालकर ऐड करना है। अगर दूध आप एक साथ डाल देंगे तो डो हमारा गीला हो जाएगा, अगर डो गीला हो जाए तो आप नारियल का बुरादा 1 से 2 चम्मच और डाल देंगे। तो ये देखिए हमने केवल 4 चम्मच दूध ऐड किया था, देख सकते हैं ये डो जो है अच्छे से बन गया है। तो अब जो है हम पेड़ा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो छोटे छोटे साइज के हम पेड़ा बनाएंगे, ये देखिए। तो एक पेड़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, तो इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से सभी मिठाई हम बना लेंगे। तो अब इस पर हम लगा देते हैं चांदी का वर्क, ये देखिए टोटल 10 से 12 हमारा पेड़ा जो है बनकर तैयार हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों इस आसान तरीके से आप जो है वाइट पेड़ा भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको तीसरा मिठाई बनाना बताते हैं। तो अब हम बनाएंगे मोदक, ये भी बिना गैस के बन जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार होता है। तो उसके लिए हमने लिया है नारियल का बुरादा 1 कटोरी के करीब, यानी 4 बड़ा चम्मच के करीब हमने नारियल का बुरादा लिया है दोस्तों। बहुत ही अच्छी मिठाई हमारी बनेगी। तो अब इसमें हम डाल देते हैं खोया। तो ये खोया हमने लिया है सॉफ्ट वाला, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए दानेदार खोया नहीं है, ये सॉफ्ट वाला मावा हम इसमें यूज कर रहे हैं। खोया या फिर मावा कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं। अब इसमें हम चीनी का पाउडर ऐड करेंगे, तो मीठा जैसा आपको पसंद हो हमने बताया। तो 1 चम्मच के करीब हमने चीनी का पाउडर ऐड कर दिया है। हम सभी मिठाइयाँ जो हैं कम मीठे में ही बना रहे हैं। आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देना है। तब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए, क्योंकि हमने इसमें मावा डाला है तो इजली अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, इसमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं। अगर डो ज़्यादा सूखा दिखे तो आप इसमें थोड़ा सा मावा और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा डो परफेक्ट रेडी हो गया। तो हमने ये लिया है मोदक का सांचा, 2 पार्ट वाला है ये, इससे जो है मोदक बनाकर हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए डो हमारा परफेक्ट है, ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा ड्राई। अगर ड्राई हो तो मावा डाल सकते हैं, अगर गीला है तो नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। तो ऐसे पीछे साइड से जो सांचा दिया है पूरा फिल कर देंगे उंगलियों की सहायता से दबाते हुए। तो हम देखते हैं हमारा मोदक कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो एक मोदक परफेक्ट बनकर तैयार हो गया, देख सकते हैं। अगर दुकान पर मोदक खरीदने भी जाए तो बहुत ही महंगा मिलता है, तब ये बहुत ही कम सामान में और भी बिना गैस का ये बना सकते हैं दोस्तों।
ये देखिए तो एक मोदक जो है हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से सभी मोदक हम बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इजली ऐसे धीरे से आपको निकालना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। और ऐसे देखिए पीछे के साइड से धीरे से जैसे हम निकाल रहे हैं उसी तरीके से आपको भी निकाल कर निकालना है। तो देखिए ये तीसरा मोदक, तो इसे भी हम प्लेट में रख देते हैं। तो तीन मोदक तैयार कर लिए। तो इसी तरीके से सभी मोदक हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक किलो से भी ज़्यादा ये जो है मोदक बन जाता है। तो इस पर चांदी का वर्क हम लगा देते हैं ताकि हमारी मिठाई जो एकदम दुकान के जैसे दिखे। तो देखिए सभी मोदक बनकर तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए अब हम दूसरा मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा दानेदार खोया से, वो हमने सॉफ्ट खोया से बनाया था, ये दानेदार खोया से हम बनाएंगे टेस्टी स्पेशल मोदक। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये मोदक बनाने के लिए हमने यूज कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों दानेदार खोया एक कटोरी हमने लिया है। दानेदार खोया से बहुत ही अच्छा मोदक बनकर तैयार होता है, ये भी आधा किलो से ज़्यादा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें डालने के लिए हमने काजू, पिस्ता और नारियल का बुरादा एक छोटे से कटोरी सभी एक नाप के हमने लिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे और जो दानेदार खोया लिए हैं उसमें डाल देंगे ताकि हम इसको अच्छे से पीस लें और हमारा मावा जो है सॉफ्ट हो जाए। और साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे जो काजू हमने लिया है वो पूरा डाल देते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी का पाउडर, आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं पर हम इसमें ही डालकर ऐड करेंगे। और ज़्यादा मीठा नहीं, कम मीठे में हम मिठाई तैयार कर रहे हैं। तो 3 से 4 चम्मच के करीब हम ये पिसा हुआ चीनी डाल देंगे। तो ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको एक बार घुमा लेंगे। तो ये देखिए जी हमारा बनकर तैयार हो गया। आप चाहे तो इसकी बर्फी बना दें, लड्डू बना दें या फिर मोदक, जैसा भी आपको जो पसंद हो मिठाई। तो ये परफेक्ट बनकर तैयार है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये भी बिना गैस का बनकर तैयार हो जाता है। तब इसमें हम डाल देते हैं नारियल का बुरादा। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करिएगा क्योंकि पिस्ते वाला मोदक हम कह सकते हैं। तो जितना हमने लिया था उसका आधा पूरा डाल दिए हैं। इलायची का पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों इसका एक हमने डो की तरह अच्छे से सेट कर दिया है। तो चलिए अब इसका भी मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सांचा हमने लिया है, ये सांचा जो है एक सांचा 30 रुपये का मिलता है दोस्तों। तो इसको पीछे साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा डो लेंगे और पतले साइज में लंबे में करना है ताकि इजली आसानी से अच्छे से फिल हो जाए पूरा। और चारों तरफ अच्छे से भर देना है ताकि हमारा मोदक जो है परफेक्ट बनकर तैयार हो। ये देखिए जैसे हम भर रहे हैं और ऐसे पीछे की साइड बराबर पर दबा देना है, जो एक्स्ट्रा निकले हैं उसको ऐसे निकाल देना है। ये देखिए हमारा ये पिस्ता वाला मोदक भी बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से निकालिएगा धीरे से। ये देखिए जैसे हम निकाल कर आपको बता रहे हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि ये मोदक जो है घर पर बना है या फिर दुकान से खरीद कर लाए हैं। तो इसको प्लेट में रखते हैं। तो इसी तरीके से सभी मोदक हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये दूसरा मोदक भी हमने बना लिया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो सभी मोदक हमने बनाकर तैयार कर लिया है। और इस पर लगा देते हैं चांदी का वर्क ताकि इसका लुक जो एकदम दुकान से भी बढ़िया दिखे। दोस्तों मोदक की रेसिपी कैसी लगी है? इसी तरीके से कोई भी त्यौहार हो तो आप ये मोदक जो है घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बिना गैस का, बहुत ही कम सामानों में और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट ये बनकर तैयार हो जाता है। हम आपको ये तोड़कर भी दिखा देते हैं।
तो ये देखिए हम आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं कितना अच्छा सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से आप जो है घर पर परफेक्ट मोदक बना सकते हैं और सबको खिलाइए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बनाकर तैयार किया है। तो अब हम बनाने जाते हैं टेस्टी बूंदी का लड्डू। ये भी हम घर पर ही बनाकर तैयार किए करेंगे। 1 से 1.5 किलो के करीब ये जो है लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो उसके लिए हमने लिया है रेडीमेड बूंदी का पैकेट। 60 या फिर 70 रुपए के करीब ये जो है एक पैकेट बूंदी मिल जाता है आपको किसी भी किराना स्टोर पर। बोलेंगे कि हमें बूंदी चाहिए लड्डू बनाने के लिए तो वो आपको दे देंगे। छोटा दाना भी होता है, ये हमने बड़े दाना वाला लिया है। तो एक कटोरी लेंगे, उससे मेज़र करके ही हमें लेना है। तो मिक्सी के जार में ऐसे हम डाल देंगे क्योंकि ये जो है हम पीस कर बनाएंगे लड्डू। तो ये देखिए 2 कटोरा, दूसरी कटोरी हम डाल रहे हैं। तो इसको भी मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका जो है अच्छा सा पाउडर, उतना भी महीन नहीं उतना भी दरदरा नहीं, पीस कर हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए 1 से 2 कटोरी और हम लेंगे। तो टोटल 4 कटोरी से ये जो है लड्डू हम बनाकर तैयार करेंगे, वो भी 1.5 किलो से ज़्यादा। तो ये देखिए 4थी कटोरी हमने ले लिया है। तो इसका भी हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। ढक्कन बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसका भी हमने पाउडर बना लिया है, ज़्यादा महीन नहीं बनाया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं पूरा। तो 4 कटोरी हमने लिया है। तो 4 कटोरी बूंदी, तो आपको 2 कटोरी के करीब उसी कटोरी से, कोई भी बर्तन, कटोरी, कप, गिलास, उसी से आपको 2 कटोरी चीनी डालना है। आप चाहे तो 1.5 भी डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद हो तो आप 2 कटोरी चीनी डालिएगा। फिर 1 कटोरा पानी भरकर इलायची का पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। तब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप जो एक्स्ट्रा चाशनी भी बनाकर रख सकते हैं ताकि बाद में कम पड़े तो आप डाल दें। फूड कलर ऐड किया है हमने, रेड ज़्यादा ऐड किया है और येलो वाला थोड़ा सा कम। तो उसको डाल दें, इससे जो है एकदम बूंदी का परफेक्ट कलर आ जाता है। चाशनी हमें तार वाला बिल्कुल भी नहीं बनाना है, हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए। ये देखिए हम आपको चेक करके बता दिए हैं क्योंकि इसमें तार नहीं बनता है, चिपचिपा होना चाहिए ताकि लड्डू जो है बढ़िया सॉफ्ट, नहीं तो हार्ड हो जाते हैं। तो जो बूंदी हमने पीस कर रखा है वो पूरा हम इसमें डाल देते हैं। पूरा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने पर, क्योंकि थोड़ा सा दरदरा ही हमने पीस कर तैयार किया है, तो बूंदी जब तक सॉफ्ट ना हो जाए आपको इसे पका लेना है। तो पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है, तो इसलिए आप जो है चाशनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। अगर कम पड़े आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमको ये थोड़ा सा गाढ़ा होना दिख रहा है गाढ़ा, तब इसमें 1/2 कटोरी के करीब अगर कम पड़ेगा तो थोड़ा सा बाद में भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी पानी को सोखता है। तो इसलिए आप चाशनी एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। तो इसको ढक देते हैं 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से एकदम लड्डू की बनाने के लिए ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही जल्दी हार्ड भी होता है, इसे सॉफ्ट पर ही आपको, तो ये देखिए हम आपको चेक करा देते हैं, बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है। इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है, ज़्यादा भी ठंडा ना हो तो इसमें हम पिस्ता कटे हुए डाल सकते हैं, काजू या फिर बादाम या फिर खरबूजा का बीज भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास पिस्ता था तो हमने पिस्ता ही ऐड किया है। तो देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है, ज़्यादा भी ठंडा नहीं, हल्का गर्म पर ही बना रहे हैं। तो मीडियम साइज़ के छोटे छोटे लड्डू जो है हम बनाकर तैयार करते हैं। ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं होते, बढ़िया सॉफ्ट ही बना रहता है ये मिठाई। तो ये देखिए 1 लड्डू जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा। ये लड्डू हमने बनाया था और 1 दिन में ही पूरा ख़त्म हो गया था, इतने टेस्टी ये लड्डू बनकर तैयार हुए थे दोस्तों। ये देखिए मीडियम साइज़ के
ऐसे छोटे छोटे लड्डू हम सभी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक प्लेट में 7 और 1 किलो का ये डब्बा भर कर बनकर तैयार हुआ है। तो कह सकते हैं ना कि 1.5 किलो से या फिर 1.5 किलो के करीब ये लड्डू जो है बनकर तैयार हुआ है। तो चांदी का वर्क हम इस पर लगा देते हैं। तब हम ये लड्डू भी आपको तोड़कर दिखा देते हैं। बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और खाने में एकदम दानेदार, एकदम हलवाई की दुकान जैसे बनाते हैं उसी के तरीके एकदम ये तैयार हो जाता है। देखिए, हम आपको लड्डू तोड़कर भी दिखा देते हैं। बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से बूंदी के पैकेट से आप घर पर ये लड्डू बना सकते हैं। बेसन से भी बनाया जाता है पर इजीली आप चाहे तो बूंदी से भी बना सकते हैं। तो कोई भी त्यौहार हो आप ये स्पेशल मिठाई ज़रूर बनाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो अब बनाते हैं हम बर्फ़ी। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी मूंगफली का दाना। तो अब इसे हम भुनेंगे। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है, इसको हम पूरा डाल देते हैं कढ़ाई में और धीमी आंच पर चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुनना है। तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं भुनेंगे। तेज आंच पर भुनेंगे तो ये डार्क हो जाएगा पर मूंगफली जो है हमारी अच्छे से पकेगी नहीं। तो ये देखिए, मूंगफली को जो हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुन लिया था, ये अच्छे से भुन कर तैयार हो गया है। देखते जब छिलका निकलने लगता है तो समझिए कि हमारा मूंगफली का दाना जो है परफेक्ट भुन कर तैयार है। तो अब इसे हम एक प्लेट में पूरा निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। इसका छिलका भी हटा लेंगे हम पूरा ठंडा होने के बाद। इसमें डालने के लिए हमने लिया है मैदा, देख सकते हैं आप लोग। तो उसी कढ़ाई में डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी, आप चाहे तो घी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो मैदा डाल देते हैं। तो मैदा हम एक्स्ट्रा ही लिए हैं ताकि बाद में कम ना पड़े, इसलिए आप एक्स्ट्रा भी भून सकते हैं। अगर मैदा कम यूज करना है तो आप मूंगफली का दाना भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो मैदा को हमें डार्क कलर नहीं करना है कि खुशबू अच्छा सा आ जाए और इसका कच्चापन निकल जाने तक हमें इसको भूनते रहना है। खुशबू अच्छा आने लगा है तो मैदा हमारा परफेक्ट भूनकर तैयार है। तो देख सकते हैं इसका कलर जो है रेड नहीं होना चाहिए, कच्चापन निकल जाए और खुशबू आए तो समझिए कि मैदा हमारा अच्छे से भुन गया है। तो उसी कटोरी से 1 कटोरी हम डाल देते हैं उसी कढ़ाई में पानी, और चीनी हम डाल देते हैं। आप चाहे तो इसको 1 कटोरा चीनी कह सकते हैं, जितना हमने पानी लिया उतना ही हमने चीनी भी लिया है। आप चीनी को कम भी कर सकते हैं। तो चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं। तो हमने मूंगफली के दाने को अच्छे से छील लिया और लिया है हमने 1 कटोरी मिल्क पाउडर, आप चाहे तो 2 कटोरी भी ले सकते हैं। तो मिक्सी के जार में हम जो है मूंगफली के दाना को पूरा डाल देते हैं और इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो इसका हम अच्छे से पाउडर बना लेते हैं मूंगफली के दाना को। एक छड़ी हमने लिया है और एक प्लेट, तो इसे हम अच्छे से छान लेते हैं पूरा ताकि जो महीन पाउडर हो प्लेट में आ जाए, बड़े दाने छन्नी में रह जाए। ये देखिए, अच्छे से ये महीन पाउडर आ चुका है ताकि हमारी बर्फ़ी जो है बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हो। और जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम पीस कर छान लेंगे। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, चाशनी जो है हमारा तैयार हो चुका है। हमें इसमें तार नहीं बनाना है, बढ़िया चिपचिपा होना चाहिए। ये देखिए, हम आपको दिखा देते कि हल्का सा तार बन रहा होगा, पर तार बनाने की ज़रूरत नहीं, आप चिपचिपा भी रखेंगे तब भी ये बन जाएगा। ये देखिए, एकदम हल्का सा तार बन रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके का चाशनी आपको चाहिए। तो अब इसमें जो मूंगफली और मिल्क पाउडर का पाउडर है पहले हमें वो पूरा डाल देना है, फिर हम इसमें आधा मैदा ऐड करेंगे। आप मैदा कम भी यूज कर सकते हैं जैसा हमने बताया आपको, आप मूंगफली और मिल्क पाउडर भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो हमने मैदा आधा डाला है, अब इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। तभी पेस्ट जो है थोड़ा सा गीला दिख रहा है, जो मैदा हमने भून कर रखा है वो हम पूरा डाल देते हैं। तब इसको हम डाल देंगे। तो हम मैदा थोड़ा सा ज़्यादा ही लिए थे क्योंकि एक कटोरा मूंगफली का दाना था, तो एक कटोरे से थोड़े से ज़्यादा हमने ये मैदा लिया था। तो इसको अच्छे से कढ़ाई छोड़ने तक हम इसको 5 से 6 मिनट तक चलाते हुए पका लेना है। तो ये देखिए बढ़िया से ये पक चुका है, कढ़ाई छोड़ने लगा था तो ये रेडी हो गया। तो हमने इसको एक बड़े से प्लेट में पूरा निकाल लिया है। तो 5 मिनट तक हम इसको ठंडा होने देंगे, ज़्यादा भी ठंडा नहीं होने देंगे, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए बढ़िया एक सॉफ्ट बर्फ़ी बनाने के लिए तैयार हो गया। आप चाहे तो पेड़ा लड्डू भी बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इसको बनाते हैं क्योंकि खुले में बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाता है क्योंकि हमने मैदा यूज किया है। तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी ये मिठाई जो बनाकर तैयार करना है। तो इसमें फूड कलर हम ऐड कर रहे हैं, ऑरेंज फूड कलर। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं मन पसंद अनुसार। तो सभी को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो इसे हाथों से ये थोड़ा सा हार्ड होने लगा है तो हम इसको जल्दी जल्दी बेल लेते हैं पूरा। ये थाली में हमने पहले सिल्वर पेपर लगा दिया था, आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल पेपर ले सकते हैं। तो दोनों को हमने रोटी के आकार में गोल गोल बेल लिया है। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल रहे हैं, आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं। तब इसको हम आधा घंटा के लिए ऐसे रख देते हैं, आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, फिर बाहर भी रख सकते हैं। तो आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए आधे घंटे के बाद हम चेक करें, बहुत ही जल्दी जम गया है, देख सकते हैं आप लोग। तब इसको हम इस पे लगा देते हैं सिल्वर चांदी का वर्क। ये देखिए इससे जो है बहुत ही अच्छा मिठाई बना हमारा ये। अब इसको हम मनपसंद अनुसार जैसा भी आपको कट करना हो कट कर सकते हैं। हमने बर्फी शेप में चाकू में कट किया है दोस्तों। तो ये कलरफुल मिठाई हमने बनाकर तैयार किया है। तो ये भी 1 किलो से ज़्यादा बनकर तैयार हुआ है। तो हम आपको एक मिठाई तोड़कर भी दिखा देते हैं कि ये सॉफ्ट अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं तोड़कर। ये देखिए तो इसी तरीके से आप जो है ये बर्फी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं काला जामुन। वो भी परफेक्ट कैसे बनाते हैं तो हम आपको बताएंगे। बढ़िया सॉफ्ट बना रहता है ये। तो उसके लिए हम ले लेते हैं मावा। ये सॉफ्ट वाला मावा हम यूज कर रहे हैं क्योंकि काला जामुन के लिए आपको ये सॉफ्ट वाला ही मावा यूज करना है दोस्तों। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा तोड़कर, देख सकते हैं हम हाथों में उठाएं तो ये कितना अच्छा सॉफ्ट दिख रहा होगा। तो काला जामुन के लिए ये सॉफ्ट वाला ही मावा यूज किया जाता है। तो यही आपको ले लेना है। तो 300 ग्राम या फिर 350 ग्राम के करीब ये है। तो अब इसे हमने फ्रिज में रख दिया था तो ये जम गया था। तो इसे हम ग्रेट कर लेते हैं पूरा। तो इसे हम पूरा अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं ताकि हमारा जो काला जामुन है बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो पूरे मावा को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब इसे हमें हथेलियों की सहायता से पूरा चिकना करना है। ये देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं तो उसी तरीके से आपको जो सभी मावा को अच्छे से चिकना कर लेते हैं। जितना अच्छा ही चिकना होगा उतना अच्छा हमारा काला जामुन बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से चिकना कर लिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। हम इसमें छेना का यूज नहीं करेंगे, केवल मैदा सोडा और मावा से ही हम ये काला जामुन बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो ये सॉफ्ट अच्छे से हो चुका है। तो अब इसमें ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं कितना अच्छा सा ये चिकना हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको जो है तैयार करना है, तभी जो है जामुन परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो जितना मावा लिए होंगे उससे थोड़ा सा कम ही आपको मैदा यूज करना है। तो हम इसमें
मावा थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पास, तो हम 5 से 6 चम्मच के करीब मैदा यूज करेंगे। तो इसमें हमने मैदा डाल दिया है, मैदा उतना ज़्यादा भी ना हो और ना ही ज़्यादा कम हो। इसमें खाने वाला सोडा डाल देंगे, थोड़ा से भी थोड़ा डालना है आपको, नहीं तो जब बहुत लोग जो गुलाब जामुन कढ़ाई में डालते ही तो वो तुरंत फैल जाता है, फट जाता है, पूरे जामुन जो है अलग अलग हो जाते हैं और तेल पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको सोडा जो एकदम ध्यान से इसमें डालना है। तो ये देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर ये थोड़ा सा हार्ड आपको दिखे तो थोड़ा सा आप इसमें मावा और डाल सकते हैं ग्रेट करके। अगर थोड़ा सा ढीला टाइप दिखे डो तो थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइट होगा तो थोड़ा सा पानी भी डालकर आप इसको मुलायम कर सकते हैं। तो फिर मैदा डालने के बाद इसको 2 से 3 बार हथेलियों से फिर इसको अच्छे से चिकना कर लेना है ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैदा डालते ही थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए आपको सॉफ्ट करना है। तो डो हमारा रेडी है, 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पर ताकि सेट हो जाए। तो चलिए चाशनी का हम तैयार करेंगे। तो कढ़ाई हमने रख दिया है गैस पर, तो हम इसमें हम चीनी डालेंगे। तो 2 से 3 कटोरी हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए 1 कटोरी ही लीजिएगा, उसी से मेज़रमेंट करिएगा। देखिए 3 कटोरी हमने चीनी ले लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो देखिए वही कटोरी हम यूज कर रहे हैं, 1 कटोरी पानी हमने इसमें डाल दिया है, 1 कटोरी पानी और डाले हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो 3 कटोरी हमने चीनी लिया था। तो इसमें हम आप चाहे तो बराबर भी रख सकते हैं, पर इसमें हम 3 कटोरी चीनी और 2.5 कटोरी हमने इसमें पानी डाला है। इससे जो है हमारा परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो जाता है। चीनी ज़्यादा और पानी कम होता है, तो चीनी को मेल्ट होने देते हैं। और इधर 10 मिनट हो चुके हैं, तब देख लेते हैं हमारे अच्छे से जामुन बनाने के लिए सेट हुआ है कि नहीं। तो देखिए मावा जो है हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये। तो ऐसा ही आपको सॉफ्ट तैयार करना है, हार्ड नहीं होना चाहिए। तो छोटे छोटे हम जामुन बनाएंगे, आप चाहे तो लंबा भी रख सकते हैं, गोल भी रख सकते हैं, या फिर चपटा वाला भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो इसको हम गोल गोल अच्छे से बना लेते हैं। अगर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो हल्का हल्का सा क्रैक आ जाता है दोस्तों, अगर बढ़िया सॉफ्ट होगा तो बिल्कुल क्रैक नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारा एक परफेक्ट जो है काला जामुन बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सभी काला जामुन जो है बनाकर मीडियम साइज के तैयार कर लेते हैं। तो इधर हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं पका है कि नहीं। तो जब चाशनी को ऊपर ऐसे झाग टाइप आने लगता है तो समझिए हमारा चाशनी जो है पककर तैयार हो गया है। और काला जामुन के लिए हमें चाशनी कैसा चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए। ये देखिए पतला नहीं होना चाहिए, चिपचिपा ही बनाना है, ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं, क्योंकि जब हम इसमें जामुन डालते हैं तो उसके अंदर चाशनी जाता है, तो ये चाशनी जो है हमारा हल्का गाढ़ा हो जाता है। तो ये चिपचिपा परफेक्ट बना है। तो गैस हमने बंद कर दिया है। तो ये सारे जामुन भी काला जामुन भी बनकर तैयार है, तो इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें तेल जो है ज़्यादा हाई गरम नहीं चाहिए, नॉर्मल गरम पर चाहिए। तो पहले 1 जामुन जो है हम डालकर चेक करते हैं कि अच्छे से बना है, नहीं तो डालते ही कहीं फैल तो नहीं गया, फट तो नहीं गया, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हैं फटा बिल्कुल भी नहीं है, यानी हमारा डो जो है परफेक्ट बनकर तैयार था। बढ़िया कलर आने तक आपको जो है इसको छान लेना है, देख सकते कितना अच्छा ये बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम सभी जामुन डालते हैं। तो एक बार में हम 5 से 6 डालेंगे, क्योंकि तो तेल हमने इसमें ज़्यादा डाला हुआ है। आप चाहे तो 2-2, 3-3 डालकर भी फ्राई कर सकते हैं, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो, क्योंकि पहली बार बनाते वक्त तो डर तो काफ़ी लगता है कि कहीं तेल ना ख़राब हो जाए, हमारे जामुन फट ना जाए। ऐसे तुरंत डालने के बाद आपको हिलाते रहना और गैस की फ्लेम धीमी आँच ही रहे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, नहीं तो बाहर जो है डार्क कलर आ जाएगा और अंदर जो है अच्छे से पक कर तैयार नहीं होगा। तो हमें इसको थोड़ा सा डार्क कलर करना है। ये देखिए तो हल्का सा ये चेंज हो चुका है कलर। तब इसे हम पूरा निकाल लेते, देख सकते थोड़ा सा सूखने लगा था क्योंकि हमने पहले ही बनाकर रख लिया था, तो ये हल्का सा क्रैक आ गया, देख सकते हैं आप लोग।
इसलिए आप जैसे ही बनाएं तो तुरंत इसको फ्राई करें। तो सभी काला जामुन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे। तो चाशनी हमें थोड़ा सा गर्म ही चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैदा और मावा से बनकर तैयार है तो गर्म से हल्का सा गर्म होना चाहिए ताकि ये अच्छे से डूब जाए। तो सभी काला जामुन जो है चाशनी में हम डाल देते हैं। फिर ये सभी को हमने अच्छे से डाल दिया, तो हमें चम्मच से जो है चाशनी को हिलाना है, जामुन को बिल्कुल भी ना हिलाएं, नहीं तो टूट भी सकते हैं। तो ये देखिए हल्का सा कोई कोई मैरून कलर हो गया, कोई डार्क कलर हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। चम्मच से हमने इसको हिला दिया है, तो एक घंटा के करीब या डेढ़ घंटा भी आप रख सकते हैं, तभी हम चेक करेंगे। तो ये देखिए चाशनी के अंदर जो है ये पूरा डूब जाएगा, अभी तो थोड़ा ऊपर ऊपर था, अब ये देखिए चाशनी के अंदर पूरा डूबा हुआ और थोड़ा सा बड़ा साइज आपको दिख रहा होगा। तो चम्मच समझिए चाशनी जो है जामुन के अंदर अच्छे से चला गया है। तो हम एक जामुन जो है आपको दिखा देते हैं कि हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है कि नहीं। तो चलिए इसको हम कट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम कट कर रहे, बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और इसके अंदर पूरा चाशनी अच्छे से चला गया था। एक पार्ट को हम और अच्छे से कट करते हैं। ये देखिए जैसे हलवाई लोग बनाते एकदम उसी के तरीके, खाने में एकदम मावा का टेस्ट आया था इसमें दोस्तों। तो चलिए अब जितने काला जामुन है हम उन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं पूरा, तो एकदम अच्छे से हम आपको बता रहे हैं। तो इसी तरीके से एक बार में आप बिना गलती के परफेक्ट जो है गुलाब काला जामुन बना सकते हैं। तो सभी को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इस पे लगा देते हैं चांदी का वर्क, ताकि हमारा जो ये काला जामुन है ऐसा लगे कि हम बनाए नहीं, दुकान से खरीद कर लाए हम। तब इसे हम मिठाई के डब्बे में रख देते हैं ताकि लुक एकदम वही लगे। अगर आप ये किसी को बनाकर डिब्बे में देंगे तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप ये कहाँ से खरीद कर लाए हैं। तो हमने इसको पूरा डब्बे में रख दिया, देख सकते कितने ढेर सारे बनकर हमारे काला जामुन बनाकर तैयार हुआ है। दोस्तों रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कोई भी त्यौहार हो, छठ स्पेशल पूजा पर आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, सभी मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुआ था। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।